और इस तरह पूरे राज्य का खजाना डकार कर झारखंड के सूबेदार निकले हैं खतियानी जोहार यादव। इनके जितने सागिर्द हैं जेलों में बंद हैं, जेलों में क्यों है, सबको जेल से छुड़ाकर उन्हें जोहार यात्रा में क्यों नहीं ले जाया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, बार बार अनुरोध करता हूं कि जोहार यात्रा के अगले चरण में जितने लुटेरे अवैध खनन के आरोपों में जेल में, उनकी तस्वीर गाड़ी पर लगाकर चले ताकि जनता को खतियानी जोहार यात्रा का वास्तविकता जान सके। अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर सत्ता में कभी होने वाले इस बबुआ मुख्यमंत्री के राज में आज आदिवासी बहु बेटी भी सुरक्षित नहीं है। हम सब ने देखा कि संथाल परगना में एक आदिवासी लड़की को एक बांग्लादेशी घुसपैठी 50 टुकड़े कर दिए। किस तरह हमारी आदिवासी बेटियों को बलात्कार कर फांसी में लटका दिया जा रहा है, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है। हमारी झारखंड की बेटियों को लव जिहादी के नाम पर जला दिया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री चुप है। जाहिर होता है चाहे 1932 का खतियान हो और 1932 खतियान लागू करने में जब तक आप उसे नियोजन नीति से नहीं जोड़ो, तो 1932 का खतियान हमारे झारखंड के युवा युवतियों को नौकरी में कोई फायदा नहीं। इस तरह ये यहाँ के आदिवासी मूल वासी झारखंड वासियों के साथ बहुत बड़ा पाप हेमंत सोरेन और खतियानी लाभ से यहाँ के नौजवान युवतियों को वंचित कर जोहार यात्रा निकालना एक मजाक ही है उस नौजवान झारखंड के साथियों के साथ। झूठे वादे अक्षम और फितरती नेतृत्व और संसाधनों की लूट के कारण 3 वर्ष में झारखंड की जनता जो प्रदेश सरकार घोषणा कर रही है बेमिसाल, तो बेमिसाल नहीं, झारखंड की जनता आज बदहाल है, बेहाल है। भ्रष्टाचार, लूट, अपराध और तुष्टिकरण की वादा खिलाफी के नए कीर्तिमान स्थापित हुए 3 वर्षों में। राज्य में जब जब जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी यानी चोर चोर मौसेरे भाई की सरकार बनी, तब तब झारखंड शर्मसार हुआ। 2007-08 में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार बनी, हम सब ने देखा कैसे 4,000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ। और आज भी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार में एक जिला में ही मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि 1,000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में जेल। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।